हाँ जय हिंद, आपका फिर से नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। इसके पहला वाला वीडियो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का और फिर उसके बाद क्या बनाया था आपका कि रैली में जब आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको ध्यान में रखना चाहिए पैक करने वाला, मैं बता दिया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो इसके बाद आएगी वो वीडियो, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं पहले का कभी का आया हुआ था, कई बार आया हुआ था, इतना एक्सपीरियंस उन्हें हो जाएगा, उनको इतना इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो जय हिंद, आपका आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप जब वहां पे रिपोर्टिंग कर दिए 8 बजे, रिपोर्टिंग आपको टाइम दिया गया है, लेकिन तो 8 बजे का सीन क्या है कि 8 बजे आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपको करना है कैंडिडेट आना शुरू कब से हो जाते हैं, आप 8 बजे आइए 9 बजे आइए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तो दिक्कत क्या है कि अगर आप 8 बजे आएंगे तो आपको एकदम लंबी वाली लाइन पीछे मिलेगी, आप सबसे पीछे जाके खड़ा होंगे, ठीक है, तो आप सबसे पीछे दौड़ोगे और लेट में दौड़ोगे और जाओगे, फिर नेक्स्ट डे आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, कैंडिडेट जो होते हैं 12 बजे से आकर के लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, रात को 12 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में लगभग आपके 10 से 15 20 लोग आते हैं, 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, जैसे ही 4 बजता है इतने ज़्यादा कैंडिडेट तेज़ी से लाइन लगती हुई चली जाती है कि पूछो मत, फिर उसी में धक्का धुक्की होता है, धक्का मुक्की में पूरा इधर उधर लाइन का उथल पुथल हो जाता है, फिर उस्ताद लोगों को भी मजबूरी में आकर के डंडा बजाना पड़ता है और उसमें डंडा लगा दौड़ में दिक्कत होगा, मुझे भी पनिशमेंट मिला था अंदर जा कर के, वो दूसरे लोगों के चक्कर में सभी लोग रगड़े जाओगे उसमें, आराम से पनिशमेंट ले लेना जो भी मिलेगा, ज़्यादा वो भी जानते हैं कि क्या है कैसे है, तो इस सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं कि आप जब आपको रिपोर्टिंग आपके जितने बजे सुटेबल लगे, जब आपको दौड़ना है जितने, अगर 450 से 500 के बैच के अंदर में अगर आप आ गए तो आपकी रनिंग उसी दिन हो जाएगी, पहले बैच में ही रनिंग कर लोगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच जब बनेगा तो वो आपका 10-11 बज जाता है, 10-11 बजे रनिंग होता है, सुबह रनिंग कर लीजिएगा तो सही रहेगा। जब सेंटर पे रैली सेंटर पर पहले पहुंच के हर एक रैली सेंटर का, चाहे वो आपका जोहरट हो, हाफलोंग हो, दीमापुर, सुखोवी, दीपू, शिलोंग में और आपका कौन है लोखरा, किसी भी सेंटर पे हो, हर एक सेंटर का यही हाल होता है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंतर होता है। और आप जब आगे चलते हैं तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स जो फाइल में लिए हैं निकाल लीजिएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चेक होगा, जैसे ही आप गेट के एंट्री कर लोगे तो आपका बैग खोला जाएगा, बैग खोल के चेक होगा कि भैया इसमें क्या कुछ हथियार उथियार ऐसा कुछ विस्फोटक वाली सामग्री नहीं है, इलीगल सामान नहीं है जो अंदर जा रहा है नुकसान कर देगा, तो उसको चेक करने के बाद एक बेसिक का आपका फिर डॉक्यूमेंट आगे जा करके चेक होगा, डॉक्यूमेंट में क्या चेक, मोबाइल वोबाइल यहीं पर बोल दिया जाएगा, बंद करके बैग में डाल दो, फिर आपका क्या होगा कि आगे जाएंगे तो आपका चेक होगा क्या, आधार कार्ड चेक होगा, एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा, एडमिट कार्ड चेक होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक होगा, इतना डॉक्यूमेंट जब आपका चेक हो जाएगा कि हाँ सब कुछ है सब कुछ है, तो आपको ये थोड़े से दूर पे वहाँ पे 5-6 लोग बैठे हुए होते हैं चेक करने के लिए, फिर उसके बाद थोड़े से दूर पे ले जाके आपको क्या किया जाता है कि बैठा दिया जाता है कि भैया यहाँ पे बैठो, फिर वहाँ पे जैसे ही लगभग 100-200 लोग हो जाते हैं 100 लोग तो आपको उठा के ले जाया जाता है रनिंग पॉइंट के पास, वहाँ पे लाइन लगनी शुरू होती है, रनिंग पॉइंट के पास नहीं थोड़ी सी दूर पे जहाँ पे ज़्यादा लोग आ सके, तो वहां पे जब तक 400-500 लोग नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी रनिंग नहीं चालू होगी, फिर जब 400-500 लोग हो गए तो एक बैच बन जाएगा आपका, एक बैच बन जाएगा फिर सबको बता दिया जाएगा, आपको अपना नेकर जो भी करना है कर लीजिए, और आप गेट के एंट्री करते हो समय तक आप पानी जितना हो सके पीजिए, आपको बहुत समय मिलेगा, उसके बाद आपको पेशाब करने का आप आराम से जा करके कर सकते हो, लेकिन पानी की कमी ना हो, उसके बाद आपको एक घंटे तो कम से कम 1-2 घंटे तक आपको इधर ही उधर ही लेते जाएंगे, वहाँ पे बैठा करके रखेंगे, तो आपको क्या करना है उसके बीच में डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी पी के रख छोड़ देना है, अब उसके बाद जब आप अंदर चले जाते हो फिर आपको बोलेंगे कि 10 कम से कम 6-7 बार टाइम देंगे कि जाओ पेशाब करके आओ पेशाब करके आओ, तो फिर आप जा करके अपना करें उड़ेंगे जो भी, फिर रनिंग के लिए जब ले जाना रहता है तो आपको बोलेंगे कि आप सभी लोग अपना जो भी अटायर पहनना है, कपड़ा वपड़ा पहनना है, नेकर वोकर पहनना है, जूता पहनना है, निकालना है, सब कुछ कर लीजिए, बीच में कोई जूता खोल
बोल के फेंकेगा नहीं, अपना इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप जब सब कुछ होने के बाद आपका बैग को क्या किया जाएगा कि ट्रक में लोड कर दिया, बोलेंगे जाओ ट्रक में रख रख के आओ, ट्रक आएगा, ट्रक में सभी लोग आप लोग सामान रख दोगे, फिर सभी कैंडिडेट को क्या किया जाएगा रनिंग पॉइंट पर ले जाया जाएगा। इस रनिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पर लैग सड़क पर इसी तरीके से तकरीबन मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर रहने के बाद आपको क्या करना होगा कि उधर दिख रहा है ना सीन, वो उस वाले घर से वो जो दिख रहा है वहाँ से इतना दूर पे इतना दूर तक बैठा देते हैं इस तरीके से, 400-500 लोग अब जी कितने में होंगे तो इस तरीके से बैठा देते हैं और फिर सिटी बस्ती भगो, सिटी बच जाएगी। अब आपको फिर दौड़ना रहेगा, 200 मीटर दौड़िए, सभी लोग कवर हो जाएंगे, फिर आप उसमें खींचते रहिए। इस तरीके से रनिंग हो गया, रनिंग होने के बाद जो पास हो गए आ गए अंदर बैठेंगे, फिर अपना जा कर के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे बैग वैग लेंगे, बैग वैग लेने के बाद अपना फिर लाइन में फिर लगेंगे, ट्रेड टेस्ट देंगे, ट्रेड टेस्ट जिसको पूछा जाए क्वेश्चन ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाकर अपना ट्रेड टेस्ट देंगे और आपको पानी उनी पीना है तो उसमें टाइम देंगे कि आप जाइए कैंटीन से सामान वामान ले कर जो भी पानी उनी लेना है पानी उनी ले करके आप पी सकते हैं। अब नेक्स्ट पर जब आते हैं तो यहाँ से पानी उनी पी लिए, लाइन उनी लग गई, लाइन उनी लगने के बाद आपको जैसे टाइपिंग वाले हो गए, टाइपिंग वाले ग्रुप बना दिया जाएगा, लाइन से सभी लोग लगे हुए अपने बैग बैग को लेकर के कि आप जाओ डॉक्यूमेंट लेने के, आप 4-5-7 लोग हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, बैठेंगे उस पर अपना जो भी फॉर्म भरना होगा फॉर्म भरेंगे, फ़ोटो तो पेस्ट करेंगे, हाइट होगा लाइन में लग करके जाएंगे, हाइट में हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, वेरिफिकेशन होगा आपका फिंगर उंगर का होगा, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। इन सब के होने के बाद आप बाहर आ जाओगे, जब वहाँ पर हाइट चेस्ट क्वालिफाई हो जाओगे बाहर आ जाओगे, जब बाहर आओगे मतलब वहीं पर बैठा है वहाँ पे एरिया रहता है उसमें आपको क्या करना है कि फुल पहना देंगे, कहेंगे नेकर लोअर में कोई उधर नहीं जाएगा, पूरा फुल में जाएगा, पूरा यानी कि ये पूरा कवर रहे बॉडी, क्योंकि वहाँ पे फीमेल स्टाफ भी रहती हैं, फीमेल सोल्जर भी रहती हैं, उसके वजह से अच्छा नहीं लगता है। तो ये अभी आप ध्यान रखिए कि फुल आप ले करके जाएँ, नहीं तो फिर मारेंगे भी कि ये ठीक है। तो यह सब हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई बार होगा एकदम अच्छे तरीके से, डोसियर आपको सब कुछ ले जाके फोटो कॉपी वोटो कॉपी साहब के पास सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद आपको देंगे कि आप जाइए अब आप ट्रेड टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट में जाएंगे, फिर ट्रेड टेस्ट टाइपिंग वाले टाइपिंग में जाएंगे, रिटर्न और वाले और में अपना जाएंगे जो भी हैं जिस ट्रेड से हैं, उसके बाद जो भी होगा रिजल्ट होगा तो रिजल्ट आपका आएगा क्वालिफाई की अनक्वालिफाई, अगर हाइट चेस्ट वेट में अगर आपको अनक्वालिफाई हुए हैं तो उस पर लिख करके दे आ जाएगा स्लिप कि आप इसमें अनक्वालिफाई हो गए हैं, तो आपको वहीं से भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। और उस आप रिजेक्शन स्लिप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि रिजेक्शन स्लिप एक था बहुत हीरो बना था, फाड़ के फेंक दिया, बहुत उसे मारेंगे, पूछाएं तो बोले वो बोला झूठ बोल रहा था कि मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला, जब पता चला कि फाड़ के फेंक दिया है तो उसको लतियाया गया, बहुत हाफलॉन्ग की कहानी है यह। हाँ तो आप मान लीजिए आप जैसे टाइपिंग में सेलेक्ट हो गए, टाइपिंग में आप टाइपिंग करके जब निकल गए तो टाइपिंग जब करके आप निकल जाओगे रूम में से तो आपको क्या होगा कि बोलेंगे कि भैया देखो एक घंटा बाहर बैठाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट तैयार करेंगे, रिजल्ट तैयार कराने के बाद धीरे धीरे इस तरह से आपको 2 घंटे लग जाएंगे टाइपिंग करने के बाद आपको रिजल्ट लेने तक, तो यही है प्रोसेस आपका, फिर उसके बाद रिजल्ट हो जाएगा, फिर उस पर लिख के दे देंगे, साइन इन करवा के आपको एडमिट कार्ड दे देंगे, कॉल लेटर, नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन के लिए, बस यही प्रोसेस था। 8-9 मिनट की वीडियो हो गई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, सो फॉर जय हिंद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।